अरे वो फोन का बोल रहे हैं। साथ में एक साथ एक साथ में मतलब भाई साथ में खड़े हो लीडर भी है खड़े हो जाए एक साथ यहाँ पे डन सर की हम बात करें सर की पूरी जर्नी फिटनेस पे ही रही है सो टेल अस समथिंग व्हाट इज द फ्रेश पार्ट ऑफ दिस बुक एंड व्हेन यू गेट टू नो अबाउट द टाइटल फिटनेस मशीन व्हाट वाज देयर इन इट सी फिटनेस इज ऑब्वियसली समथिंग इज बीन वेरी क्लोज टू मी और मैं जब से छोटा था और अब तक फिटनेस जो है मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा रहा है और बिना फिटनेस के बंदे का जीना बेकार है मुझे लगता है चाहे वो कोई भी हो और इनकी जो कहानी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग कहानी है किरण जी की और जो जो मुश्किलों से ये गुजरी हैं थायराइड डायबिटीज़ एंड यू नेम द काइंड ऑफ प्रॉब्लम शी इज़ गॉन थ्रू घर पे प्रॉब्लम्स उसके बावजूद भी वेट लिफ्टिंग में माफ करना कि इस तरीके की बॉडी लिफ्टिंग में अपने आप को इस तरीके की बॉडी बनाना और एक बाकियों के लिए मार्गदर्शन बन जाना ये बहुत बड़ी बात है मेरा सल्यूट है इनके जज्बे को किरण जी के और मैं ज़रूर किरण जी आप ज़रूर सुन तो रहे ही होंगे इस मीडिया के ज़रिए आपसे मैं आऊँगा टिप्स लेने हैदराबाद ही पहुँचूँगा आपके घर ही आऊँगा टिप्स लेने के लिए किरण जी को देख के काफ़ी लोगों ने वुमेन फिटनेस को अपने आप में उतार लिया तो आई मीन फिटनेस इज़ फॉर एवरी वन नॉट जस्ट फॉर एनी जेंडर आई बिलीव कि कोई भी जेंडर जो है उसके लिए फिटनेस उतना ही इम्पॉर्टेंट जितना आप समझते हो कि किसी मर्द के लिए लेडीज़ के लिए बच्चों के लिए आई बिलीव ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको लंबे समय तक हेल्दी रखती है फिटनेस जो है वो चाहे लेडी कोई घर पे काम करती हूँ या नहीं भी काम करती हूँ या कोई हाउसवाइफ भी हूँ तो मुझे लगता है कि फ़िटनेस से क्या ऐसा नियम होना चाहिए जैसे खाना हमारा नियम है हर दिन खाना खाना है तो फिटनेस के लिए भी एक घंटा अगर कोई भी निकाल ले तो एटलीस्ट वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा खैर जो मेरी फिटनेस के बारे में समझ ये है कि लॉट ऑफ पीपल सेज कि बॉडीज आर मेड इन द जिम बट आई बिलीव बॉडीज आर मेड इन द किचन वॉट यू ईट योर बॉडी रिफ्लेक्ट टू दैट जो आपकी बॉडी है उसके आधारित अगर आप खाना खाते हो और सही समय पर खाते हो और आपकी रिकवरी जो है वो अगर आप सही समय पर सोते हो और उठते हो बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है आई बिलीव बॉडीज आर मेड इन द किचन नॉट इन द जिम जिम इज़ 25% रनिंग अराउंड हेयर एंड देयर इज़ 25-30% पर बाकी जो है इट कम्स डाउन टू योर डाइट आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए अच्छी बॉडी बनाने की या फिट रहने की वो तब तक नहीं हो पाएगी अगर आप एक अच्छे डाइट प्लान के साथ नहीं जाते हो और आपका जो
विल पावर है कि मैंने ये चीज़ें खानी है नहीं खानी है, वो आपको पता होना चाहिए, वो उसका टेस्ट होता है बहुत बड़ा। और जिसने इसके ऊपर लगाम लगा ली जीभ के ऊपर, जो टेस्ट के ऊपर नहीं गया वो बन गया। विराट कोहली की मैं थोड़ी सी बात करूँगा, क्योंकि विराट कोहली ने ये इंडियन क्रिकेट की जो काया कलट है वो पलट दी, इसलिए क्योंकि वो जब से वो उसने बॉडी जिस तरीके की बनाई, अब लगते हैं कि स्पोर्ट्स वाले जो है ना वाकई स्पोर्ट्स वालों की तरह नज़र आते हैं। तो आई बिलीव ये जो है ये हम सबके लिए मार्गदर्शन है, इफ़ यू नो एट दिस एज शी कैन डू इट एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ अस कैन फॉलो हर एंड डू द सेम। सर आपसे जानना चाहेंगे कि किरण जी के बारे में इतनी सारी अचीवमेंट है, इतनी सारी चीज़ें, किन अहम बातों का जिक्र किया है, इस बारे में बताएंगे। सो आई मेट किरण जी, शी वॉज प्लेइंग अ डीजे इन अ पब एंड देन आई हैपन टू मीट हर, एंड देन जब मुझे पता चला उनके बारे में, तो क्योंकि इससे पहले भी मैं कई बायोपिक्स लिख चुका हूँ, कई बायोपिक्स पे काम कर चुका हूँ, बट जो इसकी जर्नी थी कि एट द एज ऑफ 44 मदर ऑफ टू, जब लोग हर हाउसवाइफ छोड़ देती है कि अब क्या करना है, फिटनेस अब क्या करना है, मतलब अब तो शादी हो गई बच्चे हो गए नेचुरली, उस टाइम पे इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया एंड रिप्रेजेंटिंग द कंट्री एंड गेटिंग द बेस्ट बॉडी अवार्ड, मतलब एट बुडापेस्ट, मतलब कहना एक चीज़ और प्रैक्टिकली करके दिखाना बहुत बड़ी बात है। और जैसे भज्जी भाजी ने बोला कि ये खाली जिम का नहीं है, ये किचन का भी है, तो और जैसे इन्होंने बोला कि इट्स नॉट ओनली फीमेल और मेल और चिल्ड्रेन, आज फिटनेस हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैं गीता माई सिस्टर, तो जब इनको बताया मैंने ये है, तो शी वॉज सो एक्साइटेड, कहती है कि नहीं आई विल बी देयर, तो बिकॉज शी हैज़ हर सेल्फ ट्रांसफॉर्म्ड herself after as a woman I can understand and relate, kyunki see if you see ke ek aurat kya nahi kar sakti hai ye batao, har aurat matlab kuch bhi ab mindset ho gaya, uski will power dekho Kiran ji ki kitna strong hoga ke do bacche ke baad bhi ek shaadishuda aurat ho ke bhi going against her फैमिली के जो विशेस थे, अपने आप को ये मुकाम पे लेके आना एक बहुत इजी टास्क नहीं है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। देर वॉज़ अ टाइम कि मैं भी एक हाउसवाइफ, मतलब घर पे थी, टू मोटिवेट योरसेल्फ कि मैंने अपना बॉडी बनाना है, मैंने अपना वापस फिटनेस लेके आना है, स्पेशली बच्चों के बाद वो विल पावर चाहिए, और ये विल पावर के बगैर नहीं हो सकता, एंड शी मस्ट बी सो डिटर्मिंड कि मैंने ये करके दिखाना है, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट हर कि आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड। एंड इनका सुन के आई मीन दीपक हैट्स ऑफ कि आप जैसे ये लेके आते हो आगे, क्योंकि ऐसे कई औरतें हैं कि हम उनकी लाइफ जानते भी नहीं हैं, यू नो कि उनकी क्या स्ट्रगल्स रही है लाइफ में, एंड पीपल लाइक हिम, यू नो हु राइट अबाउट दीज इंस्पिरेशनल पीपल, ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम ग्लैड वी गॉट टू नो अबाउट किरण जी एंड उनके स्ट्रगल्स, उनका आई मीन क्या अचीवमेंट्स, इंडिया को रिप्रेजेंट करना और जीतना भी एक बहुत बड़ी बात है। जी पाजी बॉडी देख के कि पाजी खाते हैं कुछ नहीं, हम एक्चुअली काफ़ी सच बताएं, हम जी सब जानते हैं कि पंजाबी हाउस होल्ड बहुत खाने पीने के ऊपर बहुत परहेज नहीं रखते, लेकिन हमारा एक ऐसा हाउस होल्ड है जहां हम बहुत परहेज रखते हैं, हमारा क्या क्या खाते हैं, यू नो कितना खाना है, बच्चे के ऊपर भी, बच्चे मेरे बिल्कुल कम रिफाइंड शुगर खाते हैं, यू नो एंड नॉर्मल दूध नहीं पीना, मतलब इट्स एवरीथिंग, यू हैव टू बी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड, एंड आई एम सो ग्लैड जैसे सिद्धू पाजी भी है जो आज बता रहे हैं दुनिया को कि हाउ टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम इवन प्रिवेंटिंग गेटिंग कैंसर, यू नो ये सब डाइट के ऊपर है, खाने के ऊपर है, यू नो कितने जहरीली चीज़ें आज मार्केट में जो हमें नहीं खाना चाहिए। सो आई फील के इवन विद भज्जी आफ्टर स्पेशली रिटायरिंग के उनका जो मेटाबॉलिक रेट है शायद थोड़ा नीचे आ गया, क्योंकि इतना रोज़ नहीं खेल रहे हैं, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट ही इज़ इंटरनली हेल्थी, सिर्फ दिखने में आप कितने पतले हो कितने मोटे हो उसमें नहीं देखा जाता कि आप कितने हेल्थी हो, बाकी कितना बंदा एक हेल्थ मतलब हेल्थी है वो अंदर से पता चलता है, शुगर लेवल्स, बीपी लेवल्स, थायराइड लेवल्स, कैन यू प्लीज़ कीप द वॉल्यूम ऑफ फोन्स डाउन बिकॉज इट्स वेरी इरिटेटिंग एंड डिस्टर्बिंग, हम बात कर रहे हैं तो फ़ोन बज रहे हैं। या सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज इंटरनल हेल्थ।
मैम जैसे आपने बात की सुधू पाजी की, तो आप एंड पाजी आपसे आप कितना बिलीव करते हो उसमें कि आप भी क्या बिलीव करते हो उसमें कि फिटनेस उससे होता है, जैसे पाजी ने बताया? ऑफ कोर्स होता है, क्यों नहीं. आई मीन साइंस इज देयर. आई मीन यू गेट टू, आप खुद ही देख लो टुडे व्हाई इज डायबिटीज सो कॉमन, थायराइड इज सो कॉमन. पहले इतना नहीं था जितना आज है. कुछ तो है ना, हम क्या खा रहे हैं. एंड आई थिंक दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वी शुड बी अवेयर. पर डॉक्टर ने इस बात को नकारा है कि ये जो बात हो रही है. देखो, वी डोंट रियली वांट टू गेट इनटू व्हाट ऑल हैज हैपेंड देयर. जो उनका एक चीज़ जो शहरी पाक की वाइफ के लिए जो चीज़ काम करी वो डाइट काम करी, उनका कहना ये है. ऑब्वियसली डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू कीप आर सेल्फ लिटिल मोर अवेयर विद थिंग्स व्हाट वी ईट, यू नो, व्हाट वी पुट इन आवर बॉडी. वी मस्ट आस्क आवर सेल्फ की इज दिस गुड फॉर माय बॉडी. हम मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, स्पेशली पंजाबीज़ बहुत. नहीं, हर कोई खाता है मीठा, सबको अच्छा लगता है. मेरे ख्याल से, मेरा अपना ओपिनियन कि मीठा जितना हम खाते हैं उतना खाने की ज़रूरत है नहीं, और बॉडी को शायद उतनी ज़रूरत भी नहीं. तो कभी कभार हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो बॉडी को आज नहीं तो कल वो नुकसान करती है. आई एम नॉट सेइंग कि मीठा ही नुकसान करता, बहुत सी और भी चीज़ें हैं. सो एक डाइट चार्ट ऐसा प्लान होना चाहिए, ऐसा फॉलो करना चाहिए जो आपकी बॉडी को ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो हेल्दी रखे. और वही वो शायद वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दीज वो द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इंक्लूडिंग जो मेडिकल करता है काम, वो अपना काम करता है, लेकिन डाइट अपना रोल बहुत बड़ा प्ले करती है, क्योंकि आर बॉडी इज़ व्हाट वी ईट. सो कीप इट सिंपल कि जो खाएंगे उसी तरीके की बॉडी जो है वो हमारी पेश आएगी. अगर ज़्यादा तला खाना खाएंगे, बार बार उसी तले खाने में से हम चीज़ें खाते ही जाएँगे, सेम तेल अगर खाएंगे तो फिर नुकसान ही होगा. तो इसलिए मेरे लिहाज से जो मेरा उनके लिए यही सोच है कि जो वो कहना चाह रहे थे वो यही है कि ईट राइट और साथ ही जो स्लीप राइट, सबसे इम्पॉर्टेंट. वी डोंट स्लीप राइट, वी समहाउ फील कि नहीं, इट्स नॉट दैट अ बिग फैक्टर कि स्लीप तो हो ही जाएगी, दो घंटा चलो कहीं सो जाएंगे, फ्लाइट में जा रहे हैं वहाँ सो जाएंगे, बट वो सही स्लीप नहीं है. 6-7 घंटे की अच्छी नींद जो है वो आपकी बॉडी को ज़रूरत है. वो किसी भी तरीके से, किसी भी बीमारी से बचने के लिए जो बॉडी को आपको रिकवरी है वो उसी पीरियड पे आएगी जब आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड सो रही हो. दीपक सर, एक सवाल आपसे है. ऑन द वर्ज अभी तो लिखा है, इट टुक मी मोर देन 3.5 years टू गेट दिस थिंग आउट, बिकॉज एक बायोपिक या एक फिक्शनल स्टोरी लिखना बहुत इजी होता है, ठीक है, कि बट एक बायोपिक को सही किरदार पे लेके आना और उसके बाद उसको पब्लिश करना और उसके बाद रिप्रेजेंट करना. लाइक जब मैंने सूरमा बनाई थी तो मैं 2014 में स्टोरी लिखी थी संदीप सिंह की, लेकिन जब पर्दे पे वो 2018 पे आई तो कौन सा किरदार उस पर करेगा, तो दिलजीत पाजी ने सही निपटाया, सब किया. तो ये है, अभी तो इट विल टेक टाइम, लेट्स सी. यार इस किरदार में ना इनको ले लेना, इनकी बॉडी बना देना, मजा आ जाएगा. ये मेरी प्रोड्यूसर पार्टनर है. Can you imagine me being this body builder? Wow, यार. मेरे को पहले ही बड़ा डर लगता है, ऐसी बॉडी बनने की तो और डरने लगता है. बेस्ट सीरीज़ यू कैन एवर सी. बाकी कोई सीरीज़ में मुझे लगता नहीं इतना दम बचा है. और इंडिया ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, इज़ ऑलवेज चैलेंजिंग फॉर आर बॉयज़. बट आई थिंक लास्ट टू थ्री टूर्स दे हैव डन अमेजिंग जॉब बीटिंग ऑस्ट्रेलिया. इन ऑस्ट्रेलिया इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग आई कैन टेल यू एज अ क्रिकेटर. एंड आर बॉयज़ हैव डन अ ग्रेट जॉब इन द फर्स्ट टेस्ट, एंड आई एम होपिंग दैट दे विल विन दिस सीरीज़ बाय 4-1. You know, where Australians were saying this series will be whitewashed, this and वैसा कुछ नहीं होने वाला. हमारे लड़के फिर एक बार दिखाएंगे कि कैसे क्रिकेट खेली जाती है. वो दौर था जब वो रूल किया करते थे, अब इंडिया हर जगह रूल कर रहा है. वो चाहे क्रिकेट हो या हर दुनिया की हर किसी कोने में, भारत का जो गूंज है वो बहुत दूर दूर तक सुनाई दे रही है. सर, आपने जो
I don't care if they have any kind of a mental scare or whatsoever, but I'm happy as long as Team India is getting the right result. And you know, that's what matters to us. You know, it is their problem. They should look into it. Why even we should get into the picture of whether they have this or that problem? It is their drama. They can solve it on their own. सी उसकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है. मैं तो कहूँगा उनके ऊपर एक कहानी लिखनी चाहिए. जिस तरीके से उनकी कमबैक हुई है, जो उनके साथ हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसके बावजूद जब मैं उनको मिला था तो उसके हौसले बड़े बुलंद थे कि पाजी आई विल कम बैक एंड आई विल कम बैक वेरी सून. हालांकि पूरी टांग फ्रैक्चर थी, सब कुछ बिखरा था, तो उसके बावजूद जो हौसला था ना वो बुलंद था. इसलिए हौसला नहीं कभी छोड़ना चाहिए. और जो उन्होंने करके दिखाया है, वापसी करी है, और आते ही तो लगा ही नहीं कि गेम से कहीं दूर गए हैं. सो इट्स सो इम्पोर्टेंट टू बीइंग पॉजिटिव. विल पावर ऐसी हो तो कुछ भी पॉसिबल है. So good to see him getting that prize as well, you know, becoming the highest paid cricketer ever in the IPL history. And, you know, I'm so happy that Indian cricketers are making so much of money and they deserve so, very rightly. Deeda ji, aapka kya kuch product hai, kuch different kya cheezes chal rahi hai, can you share with us something? Yeah, I just signed a film last week. So, unka announcement, I think, by Jan, or next month aayega. We're also doing a film, so we've got a lot of things coming up now in the near future. So I'm looking forward to a great second inning. Wohi main isliye itna acha lagta hai jab aise aurte jo unka vision hai, unka jo determination hai, unka passion hai, wo kabhi nahi chhodna chahiye. Jo marzi ho, bacche ho, shaadi shuda ho, koi bhi life mein hurdles ho, lekin agar aapko आपका दिल की इच्छा जो एक सपना होता है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए. और हमेशा यही अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखानी चाहिए कि इफ़ एनीवन अ मदर कैन डू एनीथिंग, अचीव एनीथिंग, एंड देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप हर. एंड आई फील लाइक दैट समथिंग आई एम लुकिंग फॉर टू माई सेकेंड इनिंग्स, कि मेरे भी बच्चे जब बड़े हों के ऐसे प्राउड हो के बोल सकते हैं माई मदर वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड शी फॉलोड हर ड्रीम्स. शी यू नो, मैं रिग्रेट्स के साथ नहीं रहना चाहती हूँ. एंड आई थिंक द सेम विद हर. जब मैंने ये इसकी सिनॉप्सिस पढ़ी एंड हर हस्बैंड लेफ्ट हर फॉर दिस एंड ही इज़ बैक, विच इज़ नाइस टू हियर दैट दे बैक टुगेदर. बट इट्स सैड दैट समटाइम्स यू डोंट गेट दैट सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट. बट वैन यू गेट दैट फैमिली सपोर्ट, आई थिंक दैट That's all a woman needs in her life, as well as a man. Jab they say behind every successful man is a woman, I think behind every successful woman is also a man, you know, because that support with each other, aap duniya ko hasil kar sakte ho. I see this. Can you see like kitne ladke hain yahan, par kitni ladkiyan hain? Do? दो ही बहुत है ना. या बॉल बन के बैठे ऑफिस में. आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज कि आज थोड़ी सोसाइटी आगे बढ़ रही है, मेंटालिटी चेंज हो रही है, यू नो, घरों में मेंटालिटी चेंज हो रही है. कि पहले लड़कियों को ऐसा सोचा जाता था कि चश इस उम्र में शादी हो जाए बस, हमारी जिम्मेदारी खत्म. अब जाके पेरेंट्स का भी एक माइंडसेट चेंज हो रहा है कि नहीं, मेरी बेटी भी पढ़ लिख जाए, यू नो, कुछ अपने आप को बनाए, पैसा कमाए, खड़ी हो. वो जब पेरेंट्स का एक सपोर्ट मिल जाए, या हस्बैंड का सपोर्ट मिल जाए, या भाई बहनों का सपोर्ट मिल जाए, देयर इज नथिंग वी कैन अचीव. एंड टुडे यू आर स्टैंडिंग देयर बिकॉज़ ऑफ दिस. आप असम से यहां पे, यस, असम से आना, एक ऐसे शहर में, बड़ा शहर में रहना, टुडे यू आर सक्सेसफुल, यू आर स्टैंडिंग हियर एंड यू आर डूइंग व्हाट यू ड्रीम ऑफ, एंड आई होप दैट यू अचीव मोर हाइट्स, यू नो.
कि आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स अबाउट दैट वी यू नो मेरे लिए भी यूके छोड़ना यहाँ आना सबसे बड़ी बात यू नो गीता की एक्चुअल स्टोरी है या कि आई वाज 17 18 जब मैंने सोच के रखा कि मैंने बॉम्बे जाना ही है एंड दैट सपोर्ट फ्रॉम माय मॉम एंड सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ इन फ्रंट ऑफ यू गाइस बिकॉज दैट एम्बिशन एंड दैट एफर्मेशन वाज़ कि मैंने करके दिखाना है सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दैट दिस नथिंग दैट नो वन एंड टुडे आई विल टीच माई डॉटर द सेम थिंग कि जो तुझे बनना है ना डोंट स्टॉप इट नो वन कैन स्टॉप यू यू नो जस्ट अचीव व्हाट यू वांट टू डू वी आर देयर बिहाइंड यू तो लाखी दीपक सर ये ग्रुप को तो काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलेगा ही हमारे साथ एक लेजेंड बैठे हुए हैं यहाँ पर क्या सर के ऊपर एक ग्रुप आप लिखेंगे और हाँ तो अगर उसमें कैलकटा में ली गई कैलकटा के लिए हैट्रिक 2001 की उसका सर से ऑलरेडी चल रही है बुक बन रही है ऑलरेडी बुक बन रही है सर की उसके बाद बायोपिक भी बनेगी सर की जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है मतलब कि कहाँ से एक जगह से होके इतना मुकाम हासिल करना फिर जैसे गीता की जर्नी लंदन से यहाँ पे आके जैसे आप असम से यहाँ आके वो लंदन से अकेले आके यहाँ पे फिल्म में कोई नहीं जानता हो फिल्म वालों को उसके बाद फिल्म करनी अप्रूव करना फिर आज वापस से जैसे तो ये कम बैक नहीं कर रही है शी जस्ट पॉज्ड हर लाइफ एक फिल्म अभी रिलीज पे तैयार है तो वो उसका ट्रेलर जल्दी रिलीज होगा अवस्थी वर्सेस अवस्थी या तो पॉज के बाद अभी वापस से प्ले हो गया इसकी जर्नी तो इसलिए सो दैट्स व्हाट वी ऑल हैव अ जर्नी एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑफ हिज बुक वो भी जल्दी आएगी उनकी भी बायोपिक बनेगी और उसके अलावा भी बहुत कुछ है की टीम में थैंक यू सबका बहुत बहुत शुक्रिया